तो गाइज अगर आप नॉकआउट हो जाते हो कभी, तो कभी भी दीवार की तरफ इस तरह से सर रखकर आपको लेटना है, जो भी हो वो नहीं करना है, क्योंकि गाइज इससे ग्लिच की वजह से आपका सर दीवार के बाहर इजीली दिख सकता है और एनिमी आपको स्पॉट करके किल कर सकते हैं। गाइज बुलेट प्रूफ यूएवी बिल्कुल भी बुलेट प्रूफ है नहीं, मतलब 50% तो नहीं है, क्योंकि इसके शॉट्स बॉडी पे लगते हैं इवन आप अंदर बैठे हो फिर भी, सो इस पे आप ज़्यादा डिपेंड ना रहिए। गाइज अगर आप कभी फ्लेयर ड्रॉप या कोई सिंपल ड्रॉप के नीचे फंस जाते हो और आप निकल नहीं पाते हो, तो सिंपली अपने टीममेट को कहिए कि अपने पास एक गाड़ी लेकर आए और फिर आप बस गेट इन का बटन दबाइए और आप गाड़ी में पहुंच जाओगे। इजी ट्रिक है कि बग्गी का एक टायर पंक्चर कर दीजिए, ताकि आप जब भी टर्न लो या स्पीड में टर्न लो लेते हो तो वो स्किड करेगी नहीं और इसकी स्पीड भी कम होगी नहीं, आप इजीली 100 किलोमीटर पर आवर रीच कर सकते हो। गाइस अगर कभी आप स्मोक कर देते हो गलती से, तो स्मोक को कैंसिल करने के लिए बस दूसरा स्मोक ग्रेनेड लीजिए, उसे लो टॉस पे सेट कीजिए और कुक कर दीजिए और बीच में कैंसिल बटन दबा दीजिए, ताकि आपका पहला स्मोक भी कैंसिल हो जाता है इससे। गाइज अगर आप कोई बंदा देखते हो इस तरह शैक में छुप के बैठा हुआ है, तो आप सिंपली दरवाजे के सामने गाड़ी लगा के उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दीजिए। गाइज इससे होगा क्या, उस बंदे को बिल्कुल भी बाहर निकलते हुए नहीं आएगा गाइज, सो आप इसे इजीली किल कर सकते हो, या वैसे भी छोड़ दोगे तो वो मर जाएगा क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाएगा। सो 99% डैमेज लेवल 3 हेलमेट वर्सेस फुल लेवल 2 हेलमेट, तो आप लेवल 3 हेलमेट देखिए गाइस, कार 98 का शॉट पढ़ के भी आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन लेवल 2 का हेलमेट ये नहीं कर दे होगा गाइस। सो गाइस अगर आप रिलोड कर रहे हो और इसी बीच एनिमी आ जाए, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक करनी है गाइस, बस अपने गन के आइकॉन पे डबल टैप कीजिए ताकि रिलोडिंग कैंसिल हो और आप इजीली किल कर सको। सो गाइस ये जो आपको टैग्स मिलते हैं इसके मीनिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके ये सब देख सकते हो कि किस क्या करने से कौन सा टैग मिलता है। तो गाइज अभी मैं कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको, बिल्डिंग में अगर पुशिंग हो तो उसे कैसे टैकल करना है उस हिसाब से। अभी इस बिल्डिंग में देखो गाइज, मैं दरवाजे के पीछे यहाँ पे छिप गया हूँ और जैसे ही बंदा आता है मैं उसे सरप्राइजिंगली टेक डाउन कर लेता हूँ गाइज। अभी इस बिल्डिंग में गाइज अगर बंदा बालकनी में है, तो आप इजीली बस इस खिड़की से बाहर आइए, रेलिंग पे खड़े और देखिए, ये एक ईजी ट्रिक है गाइज। इस बिल्डिंग में अगर आप पे पुशिंग हो तो उससे कैसे टैकल करना है, इसके लिए ये टिप्स है गाइस, बस यहाँ दीवार पे खड़े हो जाइए और एक खिड़की से पीक कर दीजिए, जैसे बंदे ऊपर आएंगे आप उन्हें डाउन कर सकते हो। अगर कोई बंदा वहाँ पे छुपा हुआ है उस छोटी वाली रूम में, तो आप इस तरह से उसे पीक एंड फायर से किल कर सकते हो। और छत के बंदों को मारना है, तो आप बस इस दीवार पे खड़े हो जाइए और आप इजीली छत वाले बंदों को भी टेक डाउन कर सकते हो। अब इस बिल्डिंग में गाइज एक छिपने की बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पे छिप सकते हो और अगर आप पे कोई पुशिंग कर रहा है, बंदा कमरे में आ गया, आप उसे इस तरह से टेक डाउन भी कर सकते हो। और इसी बिल्डिंग में गाइज ये जगह जो है बालकनी टाइप है, यहाँ पे भी आप छिप सकते हो और सीढ़ियों से आने वाले जाने वाले बंदों को आप इजीली टेक डाउन कर सकते हो गाइज। अब इस बिल्डिंग में भी गाइज एक छिपने की अच्छी जगह है, अगर आप पे पुशिंग हो तो आप यहाँ पर आके इस तरह से यहाँ से कूद के यहाँ पर छुप सकते हो गाइस, क्राउच कर दीजिए, जैसे ही बंदा अगर छत पे आ जाए आपके रश करने के लिए, आप उसे इजीली यहाँ से टेक डाउन कर सकते हो गाइस। एक अच्छी ट्रिक है गाइस बंदों को टेक डाउन करने के लिए। और इसी बिल्डिंग में एक और जगह है गाइस, दरवाजे के ऊपर वाला ये प्लेटफॉर्म, आप बस यहाँ पे खड़े हो जाइए और जैसे ही कोई दरवाजे से अंदर छत पे आता है, आप उसे नॉकआउट कर सकते हो। अगर रिकॉइल आपको इजीली कंट्रोल करना है गाइस, तो आप जायरोस्कोप का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप फोन को टिल्ट करके रिकॉइल को इजी कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए बस आपको जाना है अपनी बेसिक सेटिंग में और जायरोस्कोप को ऑन कर लेना है,
और सेंसिटिविटी अपने हिसाब से उसे रख लेनी है। गाइस आखिरी में कभी भी इस तरह से मोल्टोस थ्रो नहीं करनी चाहिए गाइस, इससे क्या होता है आपका पोजीशन लीक हो सकता है। जैसे अब मेरे एनिमी ने यहाँ पे मोल्टो थ्रो की, देखिए आप, जिससे मुझे उसका स्पॉट पता चल गया उसने कहाँ से फेंका है या वो कहाँ पर है, और मैंने उसे इजी किल ले लिया। तो ये देख सकते हो गाइस आप। गाइस अगर आप कहीं नॉकआउट होते हो फ्लेयर गन के साथ और अपने साथी नहीं है, तो आप जस्ट फ्लेयर गन की एमो ड्रॉप कर दीजिए और कहीं और चले जाइए, ताकि एनिमी अगर आपको किल भी करे तो आपको उनको फ्लेयर गन की एमो ना मिले। गाइस अगर आपको स्नाइपर राइफल की बुलेट कहा जा रही है वो देखना है, तो सिंपली फायर बटन को प्रेस करने के बाद होल्ड करके रखिए, ताकि आप देख सकते हैं आपकी गोली कहाँ लग रही है। तो गाइस अगर आपको शार्प शूटर करना है टाइटल, तो उसके लिए आप बस आखिरी में अपने साथियों के साथ उतरिए, सॉरी ऑफलाइन बंदों के साथ उतरिए, और नीचे उतर के आप 3 बंदों को हेडशॉट लेके किल कर सकते हो इजीली, और आपका अचीवमेंट अनलॉक हो जाएगा। सो गाइस ये एक फनी ट्रिक है गाइस। इससे होता क्या है कि अगर आपने गाड़ी दरवाजे के बाहर इस तरह से पार्क की है, और अगर आप अंदर से दरवाजा खोलोगे गाइस, तो उस दरवाजे के इंपैक्ट से गाड़ी आगे सरकेगी, और गाड़ी के आगे जो भी होगा गाइस वो नॉक होगा, फिर चाहे वो आपके टीम का हो या एनिमी टीम का। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको टिप्स अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा गाइस वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी टिप अच्छी लगी, और अगर आपके पास कोई टिप्स होगी तो आप वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा गाइस।